नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। डिजिटल डेथ। नई दिल्ली बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी द्वारा शुरू किए गए मैं भी चौकीदार कैंपेन पर तंज कसते हुए स्वामी ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मैंने अपने नाम के आगे चौकीदार नहीं लगाया। मैं केवल चौकीदारों को आदेश दूंगा, मैं उन्हें बताऊंगा कि क्या और कैसे काम करना है, स्वामी ने कहा। ब्राह्मण चौकीदार नहीं हो सकते, वह केवल आदेश करते हैं, जिसे चौकीदारों को मानना पड़ता है। लोग भी चौकीदार से यही उम्मीद करते हैं, यही वजह है कि मैं अपने नाम में चौकीदार नहीं लगा सकता। यह पहली बार नहीं है जब सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ आग उग्र ली है। इससे पहले उन्होंने पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भी निशाना साधा था। स्वामी ने कहा था कि पीएम मोदी और जेटली अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं जानते, वह भारत को पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताते हैं, जबकि भारत इस सूची में तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा भी कई बार वह केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार द्वारा करतारपुर कॉरिडोर के खोले जाने के फैसले को एक बड़ी गलती करार दिया था। स्वामी ने कहा था कि इस कॉरिडोर का गलत उपयोग होगा क्योंकि यहाँ कोई सख्त चेकिंग नहीं है, इससे पाक आतंकी फर्जी पासपोर्ट बनवा कर हमारे देश में घुस सकते हैं। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर शक्तिकांत दास को स्वामी ने भ्रष्टाचारी बताया था। बता दे कि स्वामी का यह बयान उस वक्त आया है जब प्रधानमंत्री मोदी ने मैं भी चौकीदार अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपने ट्विटर हैंडल का नाम के साथ चौकीदार शब्द जोड़ा है। उनके अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और अन्य पार्टी नेताओं ने भी अपने अपने नामों के साथ चौकीदार जोड़ा है। बीजेपी नेताओं के अनुसार यह अभियान कांग्रेस पार्टी के चौकीदार चोर है, टिप्पणी का काउंटर है।